हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज ए वेलोसिटी 12.0 सेंटीमीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन व्हेन इट्स कोऑर्डिनेट इज 3 सेंटीमीटर। इफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 2 सेकेंड लेटर इज -5.00 सेंटीमीटर, व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो हमें यहां पर एक्सेलरेशन निकालना है कि कॉन्सेप्ट जिसका हम यहां पर यूज करेंगे वो है टेक द डिस्टेंस नेगेटिव इन दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है हमें नेगेटिव लेना है। क्या कहता है क्वेश्चन में? हमसे कहता है एक ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज ए वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट। लेस कर लेते हैं, ओरिजिन यहाँ है, ये इधर एक्स एक्सिस है बच्चों, एंड यहाँ पर 3 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है। अब कहता है कि आफ्टर 2 सेकेंड वो कहाँ पहुंच गया है, दिस इज ओरिजिन, वो कहाँ पहुंच गया है बच्चों? -5 सेंटीमीटर में पहुंच गया है। अगर इस क्वेश्चन में मैं गिवन की बात करता हूं तो हमें वेलोसिटी गिवन है पॉजिटिव 12.0 सेंटीमीटर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा, तो पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है। टाइम गिवन है हमें 2 सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन हमें गिवन है, सॉरी एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, एंड ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। कहता है 2 सेकेंड बाद ये इधर पहुंच जाता है। देखो वेलोसिटी हमारी इधर है, इधर जा रहा है, लेकिन वो पहुंचा कहाँ? इधर। तो या ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और जा कहाँ रहा है? वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो एस है डिस्टेंस, यहां पर हम उसको -8 सेंटीमीटर लेकर चले। ओके चलो देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। तो देखो एस कितना है, -8 इज इक्वल टू यू कितना है, 12 है, टाइम कितना है 2 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, एंड टाइम 2 स्क्वेयर हो जाएगा। ओके 12 2 24, 24 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो -8 पहले से ही है, और 24 और हो जाएगा इज इक्वल टू 2 से 1 2 चला जाएगा, तो 2a हमारा इधर हो गया है। ठीक है, नाउ -8 एंड -24 -32 इज इक्वल टू 2a, और इससे ये 16 टाइम्स कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिली -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। द फाइनल आंसर इज -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।